ओम शांति। आज है 21 अगस्त 2023 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। प्रश्न है, मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? उत्तर, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांति किसने बनाया है यह नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहां सुख शांति सब होगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति, यह किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहां एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहती। सत्संग से क्या प्राप्ति है यह कोई को पता नहीं। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर बैठ जाते हैं। फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं। उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सत्य परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्यों का संग। सत्य परमात्मा ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है, जबकि रात से दिन होता है, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है, जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला, उसकी ही महिमा गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वाले को अलाउ नहीं किया जाता है, वह तो कुछ समझेंगे नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के ही सम्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ। वह है पावन दुनिया शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले यह देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, वह नई दुनिया थी, यह पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं, नई दुनिया नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है, यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह विचारों को पता नहीं कि यह ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर, जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। तुम अब किसके संग में बैठे हो? कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो, इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता है कि तुमको अशांत किसने किया।
कुछ बता नहीं सकते कि इन पांच विकारों ने ही अशांत किया है। भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियां भी है। मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं, हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं। जब बाप आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं। बाप आते ही हैं बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है, यह तो देहधारी है। तुम्हारी नज़र ऊपर में है। हम शिव बाबा से सुनते हैं, किसी देहधारी तरफ नज़र नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह है नहीं। नाम तो देह शरीर पर पड़ता है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते भी हैं महान आत्मा पापात्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता है, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वह है सुप्रीम बाप, परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो परम आत्मा सुप्रीम, वह है निराकार, उनको मिलाकर नाम पड़ गया है परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, बुद्धि ऊपर चली जाती है परम पिता तरफ। जबकि सब राज बताने वाला वह परम पिता परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो जो आत्माएं पहले आती हैं वह जीवन मुक्ति में हैं, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती हैं। बच्चे जानते हैं पवित्रता सुख शांति है ही सत्युग में। जबकि एक राज्य होता है उसको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर द्वैत राज्य अर्थात डेविल का राज्य होता है। पहले तो एक धर्म था, अभी तो अनेकानेक धर्म है। बच्चे इस सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं और कहां एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है। पहले पहले सत्युग की रचना होती है, फिर सत्युग से त्रेता बनता है। सारी सृष्टि पुरानी तमोप्रधान बननी ही है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे। नई सृष्टि तो सत्युग थी, कलयुग को पुरानी सृष्टि कहा जाता है। पुराने होने में भी टाइम लगता है। पहले नई थी, अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। देवी देवताओं का राज्य ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया था, उसमें दूसरा कोई राज्य हो न सके। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात ज्ञान का सागर हो न सके। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, यह महिमा एक परमात्मा की है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाप खुद कहते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर आधा कल्प बाद तुम वह राज्य भाग्य गंवाते हो, माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं है, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है, माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है वाह, हमारी सेना से कोई वहाँ कैसे जा सकता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, बाकी यह कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं। यह तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है, बाकी वह लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो बॉम्ब्स निकले हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम सो देवी देवता थे। और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो देवता थे, हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं। तुम भी नयनहीन थे, इन आँखों की बात नहीं है, यह ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है।
आत्मा तो अपने बाप को भूल गई है। सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, वह फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दे दिया है, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता नहीं। सत्युग में अगर यह ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते जाएंगे, फिर हम नरकवासी बन पड़ेंगे, तो राज्य भाग्य की खुशी ही चली जाती। यह नॉलेज अभी ही रहती है। तुम मीठे मीठे सिकिलधे लाडले बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं फिर से अपना राज्य भाग्य लेने। फिर 5000 वर्ष बाद हमको आना है। हम ऑलराउंड एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने हैं। यह ज्ञान किसको नहीं है। गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला। भगवान उवाच है, उन लोगों ने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगा दिए हैं, कह देते हैं उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई। यहाँ तो तुम सब आप ही भाग कर आए हो, कोई ने भगाया नहीं। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए तो भी केस चल जाए। इन्हों का वांडर हुआ, कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी, बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग कर आ गए। कोई झाड़ के झाड़ भी आए तो यहाँ की बात श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ते का जौहरी कहता है कि मुझे 16108 रानियाँ चाहिए, अभी 400 मिली हैं। तो यह सब खेल है, नथिंग न्यू। कल्प बाद फिर भी ऐसे होगा, ऐसे ही तुम्हारी भट्टी बनेगी। तुम देख रहे हो कि कैसे स्थापना होती है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ। कहते भी हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो, जनक ने तो त्रेता में राजाई पाई। बाबा ने पहले पहले समझाया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, कि हमारे सामने कौन बैठा है। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेंगे। तो फिर शंकर को बिठा दिया है, कुछ भी समझते नहीं। गीत में भी सुना कि नयनहीन को राह दिखाओ, सब बुद्धिहीन अंधे हैं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, आगे राज्य राजा चलाते थे, कोई कड़ा विक्रम करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, एक दो के ऊपर जज हैं, वंडर है ना। यह बेहद का नाटक है, यह तुम जानते हो और कोई कह ना सके। जू मिसल यह ड्रामा चलता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु यह तो ड्रामा है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल्प बाद रिपीट होगा। ड्रामा को समझना है, मनुष्य ही समझेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया है, ना हेल्थ ना वेल्थ है। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहाँ तो हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब होगा। परमात्मा को ही कहते हैं कि आकर राह बताओ, रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा आकर हमें दुख से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी है दुख हरता सुख करता, बाप ने सुख दिया फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती। सब बच्चों को सुखी बना देते हैं, आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने आया हूँ। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है।
वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान स्वीट साइलेंस होम, फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में। अभी तो दुख धाम है, तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण है, यह कैसे हो सकता है? यह बातें तो तुम ही समझ सकते हो। स्वदर्शन पाधारियों को नशा होना चाहिए, शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे दिए हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तुमको अलंकार शोभेंगे ही नहीं। देवताएं हैं संपूर्ण, इसलिए उन्होंने दे दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे से किल्धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है, वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। नंबर दो, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेनी है, ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। वरदान है, मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दुरादेशी भव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। आप सबने मन को सिर्फ एक बाप की तरफ लगा दिया, बीची कर दिया, बस मन को दमन नहीं किया, सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया, आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए, तो दुरादेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।